हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब की न्यू वीडियो में। आज मैं आपको प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट में जो आपको बहुत सारी दिक्कत आती है वीडियो को रेंडर करने के लिए, आपका ग्राफिक कार्ड पूरा यूज़ नहीं हो पाता, तो उसकी मैं आपको सारी तरह की सेटिंग बताऊँगा, तो वो आप यूज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना जो ग्राफिक कार्ड है उसका ड्राइवर्स चेक करना होगा कि वो पूरा अच्छे से अपडेट है या नहीं। वो आप कैसे कर सकते हो, दिस पीसी पर राइट क्लिक करोगे, मैनेज ओपन करोगे, तो वहाँ आपको डिवाइस मैनेजर पर जाकर यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर में जाना होगा। तो यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड का नेम दिखाई देगा, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर कर देना है और सर्च ऑटोमेटिकली कर देना है। जो इंटरनेट से लेटेस्ट ड्राइवर अवेलेबल होगा वो आपका खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा आपने क्या चेक करना है, यहाँ स्टार्ट पर जाकर आपने सर्च करना है चेक फॉर अपडेट्स। यहाँ पर आपने विंडोज़ को पूरा अपडेट रखना है, जिससे कि आपके जो मदरबोर्ड के ड्राइवर्स हैं वो भी सारे अपडेट होंगे, जो प्रीमियर प्रो को पूरे अच्छी तरह से चलने में, रन करने में सहायता करेंगे। तो ये चीज़ करनी है दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर आपको कोई सेटिंग्स करनी है ग्राफिक कार्ड्स में, आपने ग्राफिक कार्ड की सेटिंग में चले जाना है। तो ग्राफिक कार्ड की सेटिंग में जाकर आपने मैनेज 3D सेटिंग पर चले जाना है, आपने ढूंढ लेना है आपकी ये सेटिंग कहाँ पर है। उसके बाद आपने प्रोग्राम सेटिंग पर चले जाना है, यहाँ पर मैं आपको प्रीमियर प्रो की सेटिंग करनी बता दूंगा, आपने आफ्टर इफेक्ट में भी सेम तरह की सेटिंग कर लेनी है। तो प्रीमियर प्रो में जाऊँगा तो यहाँ पर मैंने कुछ सेटिंग करके रखी है, आपने सेम ये ऐसी सेटिंग कर देनी है। आपने मल्टी फ्रेम में जाकर यहाँ इसको ऑन कर देना है, ओपन GL रेंडरिंग GPU पर आपने क्या करना है, अपना ग्राफिक कार्ड ही सिलेक्ट कर देना है, टेक्सचर फिल्टरिंग को ऑफ कर देना है, और इस टेक्सचर फिल्टरिंग क्वालिटी को आपने क्वालिटी रख देना है। तो यहाँ पर थ्रिलिनियर पर आपको इसको ऑन कर देना है, उसके बाद आपने ट्रिपल बफरिंग को ऑन कर देना है। तो यही सेटिंग आपने अडोब के और जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी सेम सभी में यही सेटिंग कर देनी है। ये सेटिंग करने के बाद आपने अपना प्रीमियर प्रो ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं प्रीमियर प्रो को ओपन करके, जो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई रखी है, फाइल मैंने यहाँ पर बना के रखी है, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अपने प्रीमियर प्रो की एडिट में जाकर, प्रेफरेंसेस में जाकर यहाँ पर आपने मेमोरी की सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर आपने यहाँ पर मिनिमम 3 GB कर देना है कि हमारा जो प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा है मेमोरी को, वो जो हमारी रैम है, रैम की जो पूरी मेमोरी को यूज़ करे और 3 GB अदर एप्लीकेशंस के लिए छोड़ दे। उसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ऑप्टिमाइज रेंडरिंग फॉर परफॉर्मेंस, आपने परफॉर्मेंस रखना है, मेमोरी नहीं रखना है, तो परफॉर्मेंस पर कर देना है अगर आपका मेमोरी पर सिलेक्ट है तो। तो उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद ज़्यादा दिक्कत आती है जब हम यहाँ पर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 3-4 ग्राफिक्स लगा लेता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर, तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, कुछ ग्राफिक्स को मेरे रेंडर करने की ज़रूरत है, यहाँ पर रेड कलर का मुझे साइन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वीडियोज़ को अभी रेंडर करने की ज़रूरत है। मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए मेरी वीडियो रेंडर हो रही है, बिल्कुल बहुत तेज़ी से रेंडर हो रही है। तो ये देखिए, ये रेंडर हो चुकी है। उसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ Ctrl+M प्रेस करके कीबोर्ड से। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वीडियोस जो है, वीडियोस में आपको यहाँ पर हार्डवेयर एनकोडिंग रखना है, सॉफ्टवेयर नहीं रखना है हमारा, क्योंकि ग्राफिक कार्ड हमने लगाया हुआ है, ग्राफिक कार्ड को ये यूज़ करेगा। तो हमने क्या करना है, ये चीज़ करने के बाद हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा हमने
स्पीड में अपनी वीडियो को रेंडर एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऑप्शन पर चले जाएंगे तो हमारा मीडिया एनकोडर ओपन होगा। तो मीडिया एनकोडर में अपने आप हमारी जो फाइल है वो आ जाएगी, फाइल हमारी आ जाएगी। तो फाइल को हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने से पहले मैं अपने ग्राफिक कार्ड की यहाँ से टास्क मैनेजर ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि हमारा ग्राफिक कार्ड यूज़ हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा ग्राफिक कार्ड है GPU, ये हमारा CPU है, प्रोसेसर है PC का। तो ये देखिए, अब मैं एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ से, तो ये हमारा ग्राफिक कार्ड देखिए पूरा पूरा यूज़ हो रहा है जितना उसको ज़रूरत है। ये देखिए कितनी स्पीड से हमारी वीडियो रेंडर हो रही है, कुछ मैंने यहाँ पर फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं की हुई। तो ये हमारा CPU यूज़ हो रहा है। तो ये देखिए हमारी वीडियो रेंडर हो गई है, ये देखिए जी वीडियो रेंडर हो गई है। अब मैं वीडियो को आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए हाई रेजोल्यूशन की वीडियो है, कुछ ऐसा नहीं है कि वीडियो के रेजोल्यूशन कम है। तो ये देखिए हमारा जो ग्राफिक्स हमने लगाए हुए हैं वो भी हमारा बीच में आ रहा है। तो ऐसे हम वीडियो को रेंडर कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही फोटोशॉप, अडोब आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो की मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड।